hello second class students ready for your english class okay then open your english workbook chapter number 8 the elephant's nose page number 61 i repeat page number 61 in your english workbook chapter number 8 this is name of the chapter is the elephant's nose haathi nak ये स्टोरी आप लोग स्टूडेंट बुक में भी पढ़ चुके हो यहाँ पर एक और स्टोरी है सेम थीम है उसकी जैसे उस स्टोरी में हमने देखा था कि क्रोकोडाइल ने जो कुछ भी छोटे से हाथी के साथ किया तो एटलीस्ट उसका भला ही हुआ उसका अच्छा ही हुआ अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो इन रिटर्न हमारे साथ भी अच्छा होता है डू गुड हैव गुड अगर आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हो तो हो सकता है नेक्स्ट पर्सन आपसे नाराज़ हो र्यूट हो गुस्सा रखो कुछ भी हो लेकिन एक बार दो बार तीन बार चौथी बार इंसान ज़रूर आपका रिस्पांस प्यार से ही देगा ठीक है तो इस बात से कभी भी आपको आ, हराश नहीं होना है हताश नहीं होना है कि हम लोग प्यार से बात करते हैं फिर भी अगला इंसान हमारे साथ रूडली बात करता है नहीं ऐसा नहीं है कौन कितना गुस्सा दिखाएगा कोई इंसान कभी ना कभी तो प्यार से बात करेगा तो हमें हमेशा दूसरों को नहीं सुधारना है हमें खुद अच्छा बनना है क्योंकि जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें जानवर हैं बेचारे हम लोग तो देखो इंसान है बोल सकते हैं समझ सकते हैं ये बेचारे समझते तो बेशक होंगे जानवर लेकिन बोल नहीं सकते अगर बोलते भी हैं तो हम उनकी बात नहीं समझ पाते हैं लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो कैसे एक जानवर ने दूसरे जानवर की हेल्प की है वो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पोए स्टोरी है ये द आंट एंड द पैरट एक तोता और एक चिंटी की कहानी है को प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए नदी पर गई ओपन इट्स माउथ टू टेक बिग गल्प सडनली इट फेल इन टू द रिवर अब प्यास लगी थी तो फटाफट पानी पीने की कोशिश की जल्दी जल्दी पानी पीने के चक्कर में धक्का लगा और नदी में गिर गई छोटी सी चिंटी अब चिंटी को स्विमिंग तो आती नहीं है अब अ ट्री अब एक तोता ऊपर बैठा हुआ था पेड़ की टहनी पर आप पिक में भी देख सकते हो और वो सब देख रहा था बेचारी जो चिंटी थी उसे डूबते हुए वो देख रहा था द पैरेट फ्लू डाउन एंड पिक्ड अप द आंट जो तोता है पैरेट है वो उड़ा और उसने चिंटी को उठा लिया अपने पंचों से द आंट थैंक द पैरेट फॉर सेविंग इट्स लाइफ तो इतना बड़ा काम किया उसने और जान बचा दी बेचारी सी उस छोटी सी चिंटी की तो चिंटी ने उसे धन्यवाद दिया और उसने ये बात याद रख ली कि हाँ पैरेट ने मुझे बचाया मैनी डेज लेटर द आंट सा अ मैन हु वॉज ट्राइंग टू कैच द पैरेट अब कुछ दिनों बाद बेचारे तोते के ऊपर बेचारे पैरेट के ऊपर मुसीबत आई एक आदमी आ गया जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था अब चिंठी की बारी आई हेल्प करने की तो चिंठी ने कैसे हेल्प की द आंट हैड एन आइडिया इट क्विकली क्लेम्ड अप द मैंस लेग एंड बाइट हिम ऑन द फुट फटाफट से वो उसके पैर पे चढ़ी और उसके आ, पैर पे उसने जोर से काट दिया अब चींटी जब काटती है तो दर्द बहुत होता है द मैन क्रीम डिन पेन आओ देखो पिक में भी आप देख सकते हो वो इंसान जो है वो दर्द से कहरा रहा है उसे एटलीस्ट जो काम वो कर रहा था वहाँ से उसका ध्यान हट गया चाहे उसे बहुत ज़्यादा दर्द ना हुई हो लेकिन तोते को पकड़ने वाला काम जो वो कर रहा था वहां से वो भटक गया

थैंक यू वेरी मच मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आप कितनी अच्छी हो आपने मेरी कितनी हेल्प की है आप कितनी दयालु हो तो ये बेटा नेचर का भी नियम है और इंसानियत का भी नियम है डू गुड हैव गुड अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा और मैंने जब आपको एलिफेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी की अगर आप लोग हेल्प करते हो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है दुनिया में चाहे वो इंसान है जानवर है चीज़ है इंसेक्ट है कुछ भी है वो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है पता नहीं कौन कहाँ काम आ जाए तो किसी के साथ भी र्यूट मत बनो किसी के साथ भी ऐसा बिहेवियर मत करो जो उसे अच्छा ना लगे हमेशा दूसरे इंसान के साथ वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप खुद चाहते हो कि आपके साथ व्यवहार किया जाए अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना पड़ेगा रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ठीक है आगे आती है आपकी एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं में से हमें आंसर ढूंढने हैं वाई आंट गो टू तो द रिवर किस लिए गई थी तो टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए प्यास लगी थी उसे वट है फर्स्ट इन द स्टोरी द आंट है हाँ पैरट एंड द पैरेट फ्लाइज अवे फ्ल The aunt falls into the river. The aunt सबसे पहले ये हुआ था B. The aunt falls into the river. जो चिंटी थी वो नदी में गिर गई थी. Why does the aunt bite the man? चिंटी ने आदमी को क्यों खाया? The aunt bites the man because aunt was very hungry because the man was hurting the aunt because the aunt wanted to help the parrot. C option is correct. C option सही है उसे tick कीजिएगा. आंट ने इंसान के पैर पे इसलिए काटा था क्योंकि वह पैरेट की हेल्प करना चाहती थी फाइव वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर हिडन इन द ग्रिड ब्लो फाइंड एंड सर्कल दैम यहाँ पर जो हमने स्टोरी पढ़ी है उससे रिलेटेड फाइव वर्ड्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं और उन्हें सर्कल करना है द फर्स्ट वन इज बैंक डन देन आंट इज हियर आई कैन सी आंट फुट रिवर एंड पैरटन ये वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं और इन्हें सर्कल भी करना है चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं वर्कशीट नंबर टू राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम्स यहाँ पे कुछ एनिमल्स uh, हैं उनके नाम लिखे हैं बियर स्नेक डॉग टाइगर शिप हॉर्स पोलर बियर लॉइन एंड डक इज़ हेयर अब आपको वाइल्ड एनिमल के नेम यहाँ लिखने हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम आपको यहाँ लिखने हैं वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स इनमें से अगर यस yes, बेटा अगर यहां से आप देखोगे तो आ, जैसे बियर है लुक फ्रॉम हियर बियर स्नेक टाइगर पोलर बियर एंड लॉयन ये आपके वाइल्ड एनिमल है इन एनिमल्स के नेम आप वाइल्ड एनिमल वाले कॉलम में लिखोगे मैं यहाँ डब्ल्यू लिख रही हूँ वाइल्ड के लिए आप लोग नीचे एक लिस्ट बना लोगे इनके नेम्स की ठीक है इसके अलावा जो बच गए शिप टॉक हॉर्स टक इन्हें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल में काउंट कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट नंबर थ्री है आपकी रीड द सेंटेंसेज एंड सर्कल द एरर्स री राइट द करेक्ट सेंटेंसेज इन द ब्लैंक ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें कुछ एरर्स हैं वो एरर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और आपको करेक्ट करके सेंटेंसिस को फिर से लिखना है मैं आपको एरर बता दूँगी करेक्ट करके आप लोग अपने आप लिखोगे ठीक है शी वर यहाँ पे वर नहीं आएगा वर की जगह आप वाज लिखोगे शी वाज द क्लवरेस्ट गर्ल इन अवर क्लास इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिखोगे ही वर वर नहीं आएगा वाज आएगा ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन फिफ नाइनटीन नाइन्टी फाइव ही वाज बोर्न इन 1995. नाइनटी फाइव द डॉग्स डॉग्स ज़्यादा हैं तो वर आएगा द डॉग्स वर इन park. द डॉग्स were इन द पार्क आई के साथ वाज आएगा आई was वेरी ill लास्ट वीक आई वॉज वेरी इन लास्ट वीक लास्ट सेंटेंस है देगा यहां वर आएगा they were at the beach last Sunday. उसके अगला क्वेश्चन हैज है रिलेटेड है सिंगुलर में हम हैज यूज करते हैं आई हैव आई और यू ऑप्शनल है यहां पे जिनके साथ हैव यूज होता है आई हैव अ ट्री हाउस इन माई गार्डन सेमी हैज सर्कल करना है इनको ठीक है प्लेट एंड रजत हैजू सिस्टर्स दिस्टर्स हैव अब सिस्टर्स ज्यादा हैं तो हैव अ लार्ज रूम दे हैवी हैव वी हैं हम है ज्यादा है दिस इज माई किचन इट हैज डन इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है आगे वर्कशीट नंबर फोर है वर्कशीट फोर में आपको साउंड जो हैं पी एच सी के एन जी एन के ठीक है फ -क 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 -क. ये साउंड आप लोगों को कंप्लीट करने हैं वर्ड्स यहाँ पर सबसे पहले आ, ये पिंक है यहाँ पर आप एन के फिल करोगे आगे विंग्स हैं डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स ब्लॉक बी एल ओ सी के ब्लॉक फोटो पी एच पी एच ओ टी ओ क्रैक आर ए सी के आगे बैंक ये साउंड वर्ड है बैंक उसके बाद नीचे चलते हैं तो टैंक एन के फोन पी एच लिख सी के लिख डन यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट होता है नेक्स्ट वर्कशीट नंबर फाइव है मीना एंड रमन विजिट अ जू लुक एट पिक्चर एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन मीना और रमन जो है वो एक जू में गए हैं नीचे उन्होंने वहाँ जाकर क्या बातें की होंगी उसमें कुछ तो बातें बताई गई हैं लेकिन कुछ हमें अपने आप लिखने हैं शब्द हव वी आर एट अ जू मीना ने कहा हम यहाँ चिड़ियाघर में हैं रमन लिसन टू द एलिफेंट ट्रम्पेट इट्स इट 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 इज नॉट इट लाउड इज इट लाउड तो रमन कहता है कि ध्यान से सुनिए जो हाथी है वो चिंगाड़ रहा है और ये लग नहीं रहा है कि ये बहुत तेज है मीना यस इट इज वेरी लाउड हाँ ये बहुत तेज है आई कैन हियर द चैटर चैटर करते हैं मंकी मंकीज यहां पर आप लोगों को लिखना है आई कैन हियर मंकी लिख सकते हो या देव टू मेक अस कुछ भी आप लोग लिख सकते हो दे लव टू मैं यहाँ चैटर लिख रही हूं चैटर लुक एट दिराफ इट हैज अग नैक जिराफ की गर्दन लंबी होती है एन ई सी के नेक देयर इज अ डैश क्रॉलिंग क्रॉलिंग स्नेक कर रहा है जमीन पे रेंग रहा है स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड देयर इज आल्सो एन एनिमल विथ ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे ब्लैक की स्पेलिंग लिखोगे यहां व्हाइट की स्पेलिंग लिखोगे स्टिप्स इट्स अब्रा जेब्रा की स्पेलिंग लिखोगे जेब्रा आई सी अ लिटल ब्लू बर्ड फ्लाइंग एनिमल्स इस तरीके से ये फिलप भी हमें करने हैं लिसन टू द कन्वर्सेशन ये कन्वर्सेशन है बेटा इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो में आप लोगों को सेंड कर देती हूँ आंसर्स की बात जहां तक रही तो वेकेशंस में आई थिंक पेंट करना तान्या को रिलेटेड uh, uh, जो स्टोरी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी प्ले विद डॉग यहाँ आएगा उसके बाद थर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू तान्या ऑल एनिमल्स आर फ्रेंडली तान्या लाइक साइकिलिंग विद हर फ्रेंड्स ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो इसे एटलीस्ट वर्कशीट uh, आप कर लीजिएगा रिलेटेड स्टोरी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी पेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देन प्ले विद हर डॉग सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन फ्रेंडली सी ऑप्शन, ऑप्शन, लाइक साइकिलिंग विद हर फ्रेंड्स ए उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट नहीं है क्वेश्चन है टॉक अबाउट वन थिंग दैट यू डिसलाइक डूइंग बट यू हैव टू डू इट एवरी डे कौन सा ऐसा काम है भाई जो आपको करना अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी आपको डेली करना पड़ता है ऑनलाइन क्लास का नाम मत लेना उसके अलावा कुछ भी कह देना होमवर्क है पढ़ाई है वो तो करनी ही पड़ेगी उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी बात हो जो आपको अच्छी नहीं लगती हो लेकिन फिर भी आपको डेली करनी पड़ती है तो सोचना डिस्कस करना और मुझे भी बताना येस yes, बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर एट जो है वो वर्कबुक में कंप्लीट होता है अगर आपको कोई डाउट हो आपको कुछ भी पूछना हो एनी टाइम यू कैन मेक अ कॉल और यू कैन सेंड अ मैसेज ओके बेटा थैंक यू हैव अ गुड डे